कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और उरेका बार बार कर ऐसे बहुत मना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि गुंडा राज ये लोग स्थापित कर देगा, इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूँ। लालजी को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, और जिस सीट पर जिसको लगा है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूंगा। और लालजी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले लिया। कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और उरेका बार बार कर ऐसे बहुत मना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि गुंडा राज ये लोग स्थापित कर देगा, इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूँ, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, और जिस सीट पर जिसको लगा है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूंगा। कहीं कोई दूसरे के दर्द नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूं, मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूं। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहने सुरक्षित नहीं थी, बिहार में गुंडा राज स्थापित था, और आज कहानी सुना रहे हैं एकदम स्पष्ट रही है, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे, बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले ली। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता एकदम सचेत है। और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया है। आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें 33% आरक्षण सिर्फ महिला भवनों को होगा, और आप 40 की संख्या में लोकसभा में माने बैठती हैं, और 33% के भी हिसाब से यदि हम चलेंगे तो लगभग 180 बहने हमारी लोकसभा में बैठी, और कुछ तो ऐसे भी, क्योंकि जब हम लोगों ने पंचायती राज में नियम लागू किया था 2006 में, तो आरक्षण जरूर 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन बहने हमारी 60% से अधिक महिला बहने चुनाव जीत कर आती है। उसी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा पूर्ण भरोसा है, यार जिस संख्या में है इसके 5 गुना भी महिला बहने लोकसभा और विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये सोचिए क्रांति है। लोग कहते हैं कभी कभी, मैं सुनता हूं, सोनिया गांधी ने कहा यह राजीव गांधी जी का सपना था, कई नेता ने कहा ये पंडित नेहरू चाहते थे, कभी किसी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे, लेकिन मैं बहनों को गारंटी देता हूं, यदि देश में कोई सपना की गारंटी दे सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि दूसरे के सपने को साकार कर, दूसरे के लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।